टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निकल जानकारी के साथ जुड़ें, यह लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। टेक्निकल जानकारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं कि जब मान लीजिए आपके पास कोई भी फ़ोन है, वो फ़ोन थोड़ा फास्ट काम नहीं करता है, वो फास्ट काम ना करने का कारण क्या है और उस फास्ट ना काम करने की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करें तो हम बता दें। तो दोस्तों जैसे ज़्यादातर प्रॉब्लम कब आती है, जैसे मान लीजिए आपके फ़ोन में कोई अपडेट आया हो, आप उस अपडेट को अपडेट नहीं किए हों, इस कारण से आपको इस समस्या आती है। तो बता दें कि यह समस्या कैसे समाधान करें। तो इसके लिए दोस्तों आपको हमारा वीडियो आखिर तक देखना होगा और वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, पूरा प्रोसेस जान जाइए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे दिख रहे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बनी घंटी के ऑप्शन पर भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों वैसे हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए क्योंकि मैं आपको हमेशा इसी तरह के वीडियो, जैसे आपको यूट्यूब रिलेटेड जानकारी पाएंगे इस चैनल के माध्यम से, और मोबाइल पे टिप्स एंड ट्रिक और जन सुविधा केंद्र की जो भी समस्या, जैसे कोई भी ऑनलाइन करना चाहते हैं, कब करें कैसे करें, सब जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो को पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको लगी है जानकारी अन्य लोगों तक शेयर करना चाहिए तो हमारे इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं हम आपको कैसे इसका प्रॉब्लम, इसकी समस्या को दूर करें। तो इसके लिए दोस्तों जाना होगा अपने सेटिंग में, आपको सेटिंग में चले जाना है सिंपली। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट फोन, सबसे ऊपरी सीरीज में ही आपको अबाउट फोन लिखा हुआ मिल जाएगा। हो सकता है बहुत सारे फ़ोनों में नीचे मिलता है, जैसे सैमसंग में जो पुराना सेट है तो उसमें नीचे मिलता है, एमआई में भी पहले नीचे था लेकिन ये अपडेट के मुताबिक ये पूरे ऊपर आ गया है। इस तरह आपको खोज लेना है। अगर मान लीजिए आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो सर्च लिखा हुआ है इसमें आपको लिख देना है अबाउट फ़ोन। जैसे आप अबाउट फ़ोन लिखेंगे ऑटोमेटिकली ये जो है आपको मिल जाएगा। देखिए AVOU अबाउट, उसके बाद इसके देंगे फ़ोन लिख देंगे तो जो है ये आपको ये देख सकते हैं ये सर्च में आ जाएगा। तो यहाँ पर वैसे तो सबसे ऊपरी सीरीज में अगर नहीं मिलता है तो आपको सर्च कर लेना है, इस अबाउट फोन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अबाउट फोन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है सिस्टम अपडेट पर क्लिक कर देना है। सिस्टम अपडेट हो सकता है नीचे भी मिल सकता है, ऊपर भी मिल सकता है, कहीं भी मिले आपको सिस्टम अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सिस्टम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं थोड़ी टाइम चेकिंग होगा, उसके बाद आपको मिलेगा MIUI 10.2.2.0, उसके बाद लिखा हुआ है OMI मैक्सिमम स्टेबल 367 MB का जो अपडेट अवेलेबल है। अपडेट सिस्टम में अपडेट जो आ रहा है वो अपडेट क्या है यहाँ पर लिखा है ऑफिस अपडेटेड एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच 2019-03। तो ये जो है ये जो अपडेट है ना एंड्रॉयड सिक्योरिटी का फिक्स किया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बदलाव नहीं किया जा रहा है, इसमें फिक्स किया जाता है एंड्रॉयड सिक्योरिटी। आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है, आपको क्लिक करना है अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर। दोस्तों एक बात और बता दें, अगर आपके पास वाईफाई है तो आपको जो है वाईफाई का प्रयोग करना है, क्योंकि दोस्तों वाईफाई के एक जो भी नेटवर्किंग का ऑप्शन है ये बहुत ही तगड़ा स्पीड देता है। तो इससे अगर आप वाईफाई इसके माध्यम से अगर वाईफाई से आपको अपडेट करते हैं तो आपके जो फ़ोन में है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका काम करेगा। यहाँ पर आपको अपडेट डाउनलोड अपडेट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट टू वाईफाई, अगर वाईफाई है तो वाईफाई नहीं है तो डाटा से आपको कनेक्ट कर लेना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कनेक्ट किससे करना चाहते हैं। तो जैसे भी आपको हो कनेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, तो देखेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाए तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद रिबूट का ऑप्शन मिलेगा, रिबूट पर आपको क्लिक करके अपना फ़ोन रिबूट कर लेना है। तो ये जो अपडेट आया ये अपडेट आपके मोबाइल में चालू हो जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। तो आपको जो है ऐसा कर लेना, अगर हम आपको लास्ट तक दिखाएं तो वीडियो लंबी हो जाएगी और थोड़ा नर्वस स्लो है, इस कारण से आपको जो है बस डाउनलोड होगा, उसके बाद रिबूट नाउ का ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड होने के बाद नीचे ही रिबूट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, रिबूट नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रिबूट नाउ पर क्लिक करेंगे आपको फ़ोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होगा, उसके बाद ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये जो अपडेट आएगी आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम आपको मिलेंगे नई वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हमारा वीडियो आखिरी तक देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच।